Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. आप लोगों के साथ पहले एक रिव्यू शेयर किया था मैंने दराज से जो है वो कॉकरोच किलर मेडिसिन मंगवाई थी उसकी किंग्स वालों की थी सिरिंज थी और उसको मैंने अपने किचन में लगाया तो उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो अब मैंने दराज से एक और इसी तरह इंसेक्ट किलर ऑर्डर किया है 198 रुपीज़ में डीसी समेत मुझे ये मिला है ठीक है इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और क्योंकि मेरे घर में दो किचन हैं तो उस लिहाज से एक किचन में मैंने पहले वो किंग्स वालों का लगाया और यकीन जाने तीन दिन के अंदर अंदर मेरे किचन में से लाल बेग गायब हो गए ये नहीं कि मर गए एक अद्धे की लाश मिली होगी अदरवाइज वो गायब हो गए ठीक है तो अब हमने ये मंगवाया है साथ इन्होंने वही जो दराज वालों का बिल होता है साथ उन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड किया है एक्चुअली एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आप लोगों को पार्सल ओपन करके दिखा रही हूँ ठीक है इसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि बिल लाजमी चेक किया करें इसमें आपको सेलर का एड्रेस वगैरह भी इसमें से मिल जाता है उनका नंबर भी मिल जाता है तो जी वॉरियर कॉकरोच किलर ये मैंने ऑर्डर किया इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और 50 ग्राम जबकि उन्होंने 30 ग्राम लिखा है जनाब और उन्होंने भेजा है मुझे 50 ग्राम का तो बहुत अच्छा सेलर है इनके तमाम रिव्यूज़ यही हैं कि जी 30 ग्राम का जो है ऐड लगा हुआ है लेकिन ये भेजते हैं 50 ग्राम तो ये है इसकी ट्यूब तो देखते हैं इस जेल को हमने कैसे किचन में लगाना है और मैं जो है लगाती जाऊंगी साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन्होंने इसमें यही लिखा है कि जी जिस भी जगह पे आप इसको अप्लाई करेंगे वो ह्यूमन के लिए 100% जो है वो सेफ़ रहेगा तो ये हमारी हेल्थ के लिए के इश्यूज़ के हवाले से जो है बिल्कुल सेफ़ है कोई टेंशन नहीं है और जहाँ भी हम इसको लगाएंगे वहाँ पे हमने इसको वाइप नहीं करना उस जगह को साफ़ नहीं करना इस जेल को लगा रहने देना है तो जो मैंने किंग्स वालों का सिरिंज मंगवाई थी उसका भी सेम यही था कि जहाँ जहाँ मैंने लगाया एक रात के अंदर लाल बेग वहाँ से गायब हो गए तीन दिन के अंदर जो हैं किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया कॉकरोचेज से ठीक है ज़्यादातर जो कॉकरोचेज होते हैं वो कैबिनेट्स के अंदर जो ये जॉइंट होता है यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं और इसको हमने ट्यूब के साथ अंदर नोज़ल दी है और नोज़ल को आगे से कट करेंगे और इसमें से ये जेल निकल रहा है ये देखें जी जेल इस जेल को हम जगह जगह इसी तरह से लगा देंगे जगह जगह आपने इस जेल को बस ऐसे लगा के छोड़ देना है और अगर आपके इससे ना लगे तो आप उंगली के साथ भी इसको लेके लगा सकते हैं बाद में आप हाथ धो लें ये देखें जी इस तरह से मैंने यहाँ लगा दिया जो यहाँ जड़ें होती हैं दीवार के अंदर की ये यहाँ लगा दिया ज़रा सा ठीक है इसी तरह से जो जगह आपको नज़र आती है कि जहाँ लाल बेग ज़्यादा होते हैं वहाँ आप इसको ऐसे करके लगा दें और पेस्ट को अच्छी तरह से चिपका दें ठीक है नीचे जो एरिया होता है ये तो जगह फर्श की जो होती है धुलने वाली होती है इसी तरह कैबिनेट में जगह जगह आप लगा सकते हैं कैबिनेट्स की इस जगह पे जो है ये लगा दें ये हमने धोना तो नहीं होता ना यहाँ पे ये लगा दें इसी तरह स्मेल इसमें कोई भी नहीं है और ये लगा के हम इसको ऑलमोस्ट दो दिन हम ट्राई करेंगे कि इससे लाल बेग पे क्या असर पड़ता है इसी तरह ये स्विच बोर्ड होते हैं ज़्यादातर लाल बेग यहाँ पर पनाह लेते हैं इसके साथ ज़रा सा आप टच कर दें हल्का सा ये नज़र भी नहीं आ रहा और लग भी जाएगा टाइल्स के ऊपर जगह होती है यहाँ पे हम ज़रा सा लगा देंगे ताकि लाल बेग जो हैं जिस जिस जगह पे आपको लगता है ना कि यहाँ से लाल बेग निकल सकते हैं या आपके किचन में लाल बेग यहाँ पे होंगे वहाँ वहाँ आप इस दवाई को अच्छी तरह से लगा दें थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप लगाना है ज़्यादा नहीं लगाना ताकि जो है वो ट्यूब ऑलमोस्ट पूरे किचन में आपकी चल जाए उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी और इस मेडिसिन का भी मैं रिव्यू आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी मैंने किंग्स का रिव्यू आपके साथ शेयर किया कि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ एक अच्छे से व्लॉग के साथ एक अच्छी सी टिप एंड ट्रिक के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़